हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडीएफ गुरु एकेडमी। तो पीडीएफ गुरु एकेडमी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेएस सीबीटी 2 के 29 अगस्त के शिफ्ट वन पेपर के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि 29 अगस्त को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर है आरआरबी जेएस सीबीटी 2 का, तो उसका हम एग्जाम एनालिसिस देखते हैं और इसमें देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर का लेवल कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हम लोग आरआरबी जेएस सीबीटी 2 के 29 अगस्त के पेपर में पेपर का लेवल कैसा था, और ये भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, आपको हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी क्लिक करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक्निकल पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने आरआरबी कोलकाता के एक स्टूडेंट से बात किया, दो स्टूडेंट से बात किया, तो उन्होंने क्या बताया नॉन टेक के पेपर के बारे में। तो उन्होंने बताया सबसे पहले कि जनरल स्टडी के बारे में, तो जनरल स्टडी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे 5 से 6 क्वेश्चन जनरल स्टडी के पूछे गए थे, और स्टैटिक जीके। उसके बाद उसने बताया कि स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन थे 2 से 3 क्वेश्चन स्टैटिक जीके क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड्स। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपने बहुत ही 1 महीना अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे और बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर के जनरल अवेयरनेस से आपको कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट लेवल का था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए वो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्या कोडिंग कन्वर्जन से क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि बायनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बायनरी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था एब्रीविएशन से क्वेश्चन पूछा गया, तो एक क्वेश्चन एब्रीविएशन से था। और पूछा गया था स्टोरेज डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछा गया और एमएस ऑफिस से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद हम बता दें, इसमें जो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो बेसिक से आपके जो क्वेश्चन उठाए गए 2 क्वेश्चन बेसिक से इन्होंने उठाया है। और उसके बाद इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन थे। तो बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जा रहे हैं, वो मॉडरेट लेवल के ही पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी थे, जैसे बेसिक्स जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, वो काफ़ी ईजी लेवल के थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर था वो कैसा था। तो हम फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 पूछे गए, और इसमें जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए 9, और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए तो हम बता दें, आपसे बेसिक मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्क पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और बेसिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, और सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे और फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो केमिस्ट्री के पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का ही पेपर था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब टेक्निकल की, कि टेक्निकल में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो टेक्निकल की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100। अब इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था टेक्निकल में, टेक्निकल में कुछ क्वेश्चन काफ़ी ईजी थे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, और कुछ ही क्वेश्चन जो थे वो टफ लेवल के थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर का लेवल टेक्निकल का, तो मॉडरेट था, यानी कि ईजी टू मॉडरेट लेवल था। तो देखते हैं टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें फ्रेंड्स ग्राइंडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्राइंडिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए 2 क्वेश्चन ग्राइंडिंग से पूछे गए। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए मेट्रोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए, तो मेट्रोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन मेट्रोलॉजी से पूछे गए। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए, फ्लूइड मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। फिर स्टूडेंट्स ने बताया कि हाइड्रोलिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, हाइड्रोलिक से क्वेश्चन पूछे गए 2 क्वेश्चन हाइड्रोलिक से भी पूछे गए। उसके बाद मटेरियल साइंस, जी हाँ फ्रेंड मटेरियल साइंस, जैसा कि आपको पता है कि ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद
उसने बताया कि स्टूडेंट्स ने कि मैकेनिक्स से जो क्वेश्चन पूछे गए 11 से 12 क्वेश्चन मैकेनिक्स से थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछे गए वेल्डिंग से, वेल्डिंग से क्वेश्चन पूछे गए 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी ईजी लेवल का क्वेश्चन था, वेल्डिंग से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए स्ट्रेस, स्ट्रेन और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे गए, इनसे जो क्वेश्चन पूछे गए 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद बीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन बीम से पूछे गए, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि न्यूमेरिकल कितने पूछे गए, तो न्यूमेरिकल जो पूछे गए थे 3 से 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, इजीली फार्मूला पर रखने पर आपका सॉल्यूशन आ जा रहा था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्मल इंजीनियरिंग से, तो थर्मल इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए, थर्मल इंजीनियरिंग से जो भी क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद लार्ज ऑफ आपको थर्मोडाइनमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये भी क्वेश्चन का लेवल था, ईजी था, बहुत ज़्यादा टफ लेवल नहीं था। उसके बाद पूछा गया आपको डीजल इंजन से पूछा गया, और पेट्रोल इंजन से भी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूछा गया, जो क्वेश्चन का लेवल था मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल से पूछा गया, यानी कि एयर साइकिल से पूछा गया, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद पूछा क्वेश्चन पूछा गया थर्मोडायनेमिक्स, जी हाँ फ्रेंड्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से भी क्वेश्चन पूछे गए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से पूछे गए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए मशीनिंग से, तो मशीनिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें कूलेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, और लुब्रिकेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये क्वेश्चन कूलेंट एंड लुब्रिकेंट से पूछे गए, और हीट ट्रीटमेंट से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के जो टेक्निकल का पार्ट था, जो 100 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, एक जो पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा दिया गया था, न्यूमेरिकल काफ़ी कम दिए गए थे। तो फ्रेंड्स, पेपर का लेवल तो आप अटेम्प्ट, अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करें तो आप कितना अटेम्प्ट कर सकते थे इजीली, तो आप कम से कम 72-73 तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, अगर आपने 1 महीने की तैयारी की होगी अच्छे से, तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जिस कैंडिडेट से हमने बात किया तो उसने बताया कि मैंने 74 क्वेश्चन किया है, तो आप इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 72-73 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और नॉन टेक पेपर की अगर बात करें सेफ स्कोर के बारे में, तो इन्होंने जो क्वेश्चन किया है 41 क्वेश्चन किया हुआ है, तो ओवरऑल जो अगर आप सेफ स्कोर की बात करें, तो कम से कम आप अगर 105 तक अगर जिसने भी किया होगा वो अपने आप को सेफ स्कोर में मान सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है, ईजी टू मॉडरेट हम बोल सकते हैं कि जो पेपर का लेवल था ईजी टू मॉडरेट था। तो फ्रेंड्स, तो ये तो था 29 अगस्त के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर का एनालिसिस, तो हम शाम के इवनिंग का पेपर का भी एनालिसिस देंगे। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ अपने भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।